आप ये जो काल्फ देख रहे हैं, भैंस का बच्चा है, किसान की एक गलती के कारण जो है ये अभी पस्त हो गया है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बिल्कुल स्थिति खराब हो गई है। ये किसान ने गलती क्या किया है जिसके कारण ऐसी दशा हुई है? ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो एक किसान ने गलती किया वो आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको भी ऐसा भुगतना पड़ सकता है। ये जो किसान हैं, इनके इस भैंस के बच्चे के जो मालिक हैं, उनका नाम है अविनाश कुमार त्रिपाठी। एक किसान सवाल पार्ट 120 है। ये 3 से 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है, तो किसान ने ऐसी गलतियां क्या की है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। और किसान भाइयों, अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप भेजो, अपने वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी दिक्कत समस्या की, इसे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या गलती किसान ने किया, तो इसमें गलती यही है कि किसान जो है काल्फ को पास में बांधा था, या तो काल्फ छूट करके पूरा दूध पी लिया है, या तो जो है काल्फ जो है बगल में बांधा होगा, भैंस ने वहाँ पीछे करके पिला दिया होगा। तो ये क्या है कि जितना भी दूध होता है भैंस का, पूरा दूध पी लिया है। अब एक भैंस का दूध 10-10 लीटर, किसी के 12 लीटर के लगभग होता है, तो इनकी क्षमता इतनी हजम करने की नहीं होती, तो ये क्या है, ज़्यादा दूध पीने की वजह से ऐसी स्थिति इस काल्फ की हो गई है। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, उनसे यही निवेदन करूँगा कि एकाएक यानी एक बारगी यानी एक ही दिन में अपने जो काल्फ होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा दूध ना पिलाएं। आप धीरे धीरे रेशियो से पिला सकते हैं। ऐसा होता है कि जब बच्चा कर देते हैं, बछड़ी हो या बछड़ा हो या पाड़ा हो या पाड़ी हो, तो लोग जो हैं लगभग एक छाती, हमारे गांव में एक थन जो है काल्फ के बच्चे के लिए छोड़ दिया जाता है, और ज़्यादा नहीं पिलाते। बहुत ज़्यादा पिलाओगे दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो ये एक नाजुक स्थिति मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो रेयर केस होता है जिसमें कि काफ़ी समस्या दिख रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है और दूध नहीं पी रहा है, तो ये स्थिति गड़बड़ है उसकी, तो आपको चाहिए कि आप अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर से संपर्क करिए और उनको दिखा दीजिए, तो वो जो है उचित इलाज करेंगे। तो इसी तरह से इसको कर देना है। तो किसान भाई, यही कि हमारा मकसद है कि आप लोग भी ये गलतियां नहीं करना है जो ये किसान ने गलती की है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों, वीडियो वॉच करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है।